हेलो, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। गेट 2019 के वीडियो सॉल्यूशंस की अपन बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट अपना डिजिटल सर्किट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द सर्किट शो 1 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एफ फॉर EN इज इक्वल टू 0 एंड EN इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, इनेबल की वैल्यू है ये और यहाँ पे ये EN दे रखा है। इसकी वैल्यू 0 होने पर एफ के पास क्या मिलेगा और 1 होने पर एफ के पास क्या मिलेगा। तो सर्किट में दो चीज़ें दे रखी है, PMOS और NMOS। तो ये CMOS का सर्किट हो गया और CMOS के सर्किट में जो भी आपके पास, जैसे अगर यहाँ पे एक और ऐसा सर्किट लगा होता और वो सीरीज में होता तो हम उनका एंड ऑपरेशन करते और उसके बाद में उसका इन्वर्ट कर देते। सिंपल, एक एक इनपुट है तो ऑब्वियसली ये जो भी इनपुट यहाँ पे डिलीवर होगा अपने को, यानी इनके इनपुट में जो भी चीज़ डिलीवर होगी ये उसका इन्वर्ट देगा। यानी ये एक तरह से नॉट गेट का सर्किट है, देखते ही पता चलना चाहिए। खैर, इनके इनपुट्स कैसे डिलीवर हो रहे हैं, तो ये कुछ लॉजिक गेट्स के थ्रू डिलीवर हो रहे हैं। पहला लॉजिक गेट नैंड गेट है, ये अपना नॉर गेट है। तो इनका सिंपल ऑपरेशन करके यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज अपन चेक करते हैं। तो अपन सुविधा के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे इनपुट मान लीजिए पी है और इसको मान लिया अपन ने क्यू। ठीक, तो पहले मैं पी को लिखता हूँ। पी मेरे पास क्या होगा, तो पी में ई एन आ रहा है और डी आ रहा है डायरेक्टली, तो मैं लिखूंगा ई एन डॉट डी। ये तो सिंपल एंड ऑपरेशन हुआ, नैंड के लिए मेरे को इसका बार लेना पड़ेगा, तो मैं इसको बार ले लूंगा, इनेबल इनटू डी का बार। ठीक, इसी तरह से मैं क्यू लूंगा, क्यू जो कि एक नॉर गेट का आउटपुट है। नॉर गेट के इनपुट में अगेन दो चीजें आ रही है, एक तो डी आ रहा है और इनेबल का बार आ रहा है, क्योंकि ये नॉट गेट से होते हुए अपने को डिलीवर हो रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा इनेबल का बार प्लस डी और उसका होल बार, क्योंकि नॉर। अब मैं इसको आगे अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये इनेबल डबल बार डॉट डी बार, दैट इज सिंपली इनेबल इनटू डी बार। नाउ अपने पास EN की वैल्यू 0 और 1 रख के देखनी है कि क्या मेरे को वैल्यूज मिलेगी। P की वैल्यू में EN डॉट डी सिंपल का बार है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे EN इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो P क्या मेरे को डिलीवर होता है, ये चेक करता है। ठीक है, जब आप 0 रखेंगे, 0 इंटू डी 0 एंड द बार, यू विल गेट 1। क्यों क्या मिलता है वो भी चेक कर लेते हैं। जब EN 0 है तब 0 इंटू डी बार, 0 इंटू एनीथिंग 0, पी 1 मिल रहा है, क्यू 0 मिल रहा है। ठीक है, जब मैं EN को 1 रखता हूँ तब मेरे को क्या मिलता है ये भी चेक कर लेते हैं। 1 इंटू डी, तो 1 इंटू डी डी एंड द बार ऑफ दैट, तो P मेरे को मिलेगा D बार और Q क्या मिलता है वो चेक करते हैं। EN इज इक्वल टू 1 इंटू D बार, अगेन D बार। ये मेरे को डिफरेंट वैल्यूज मिल गई EN इज इक्वल टू 0, EN इज इक्वल टू 1 पर P और Q की। मेरे को चाहिए F की वैल्यू। ठीक, नाउ F जो भी होगा वो इनका, यानी P और Q जो भी आएगा उनका इन्वर्ट होगा। या तो आप डायरेक्ट Q बार लिख दीजिए या फिर P बार लिख, लेकिन मुझे चेक करना है कि P और Q, EN इज इक्वल टू 0 और 1 पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं EN इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो P1 आता है। तो ध्यान दीजिए, जब आपने इसको P1 रखा और Q को 0 रखा, ठीक, EN इज इक्वल टू 0 के लिए ये PMOS ऑन भी नहीं होगा क्योंकि ये इसको 0 चाहिए, बबल्ड है इसलिए। और सिमिलरली ये 0 मिलने पर ऑन नहीं होगा क्योंकि इसको हायर वैल्यू चाहिए, यानी 1 चाहिए। तो EN इज इक्वल टू 0 के लिए आपका जो F आया है वो जो हाई इम्पीडेंस स्टेट की वैल्यू थी वो आएगा। तो अपन इसको हाई इम्पीडेंस स्टेट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों PMOS और NMOS अपनी वैल्यू नहीं दे पाएंगे, अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके इनपुट में उसको वैल्यू नहीं मिली। सिमिलरली EN इज इक्वल टू 1 रखने पर P इज इक्वल टू D बार, Q इज इक्वल टू D बार, ये चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे को डी बार मिला और यहाँ पे भी डी बार मिला। अब मेरे पास वैल्यू आएगी क्योंकि मुझे जो भी इनपुट में आया उसका बार करना है क्योंकि ये नॉट ऑपरेशन है। तो मैं सिंपल एफ को लिख देता हूँ डी, क्योंकि डी बार का बार दैट इज सिंपली डी, बार ऑफ बार एनी वैल्यू विल गिव द सेम रिजल्ट। और इसमें भी ऐसा भी देख सकते हैं, जब इसको डी बार मिलेगा यानी डी की वैल्यू कुछ भी दो तुम, 0 या 1 जो कुछ भी तुमने यहाँ पे दी, सिमिलरली वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी और वो वैल्यू जाके इन्वर्ट होगी क्योंकि ये सिंपल PMOS और NMOS का कॉम्बिनेशन सर्किट है, एक एक ही है। तो फाइनली जब CMOS की वैल्यू बात करते हैं तो जो भी PMOS और NMOS के कॉम्बिनेशन है उनको सॉल्व करके
फाइनली इन्वर्ट करना पड़ता है। तो इनको अपने पास ये दो चीज़ें मिली, डी और हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो जब ई एन इज इक्वल टू जीरो और वन है, तो पहले ई एन इज इक्वल टू जीरो पे एफ क्या मिला, तो हाई इम्पीडेंस स्टेट कहीं मिल रहा है तो बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है, और एफ में सॉरी ई एन इज इक्वल टू वन में एफ मिल रहा है अपने को डी, तो ये केवल ऑप्शन बी में मिल रहा है, इसमें डी बार लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल बी अपना ऑप्शन सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लॉजिक सर्किट्स का एक सवाल है, वापस पीमॉस एनमॉस से ही। इन द सर्किट शोवन ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड एफ इज द आउटपुट, ओके, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट। ऑप्शंस दे रखे हैं, लैच है, एक्सनोर है, या एसआरएम सेल है, या एक्सोर। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए सर्किट को थोड़ा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि ये आसान रहे। जब भी आपको ऐसा कहीं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख जाए, कोशिश ये करिए उनको थोड़ा अलग अलग करके देखिए क्या बनता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँ और ये जुड़ा हुआ है इस बी से, तो बेसिकली ये यहाँ पे बी है, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली ये यहाँ पे ए है। बाकी सबको रिमूव कर दीजिए, तो मैं इसको वापस अगर रीड्रॉ करूँ सर्किट को, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, दैट इज सिंपली बी एंड सिंपली ए, और यहाँ पे अपना एफ है ही, और ये वाले जो दो सर्किट है उनको भी आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें ध्यान देने की बात है, ये वाला पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ग्राउंड नहीं करके ए लिखेंगे। सिमिलरली ये वाला पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, तो उसको बी लिख देंगे। अब इनके इनपुट में, चूंकि ये वाला बी इसके इनपुट में आ रहा है, तो यहाँ पे आप बी लिखेंगे और दूसरा वाला इनपुट ए लिखेंगे। तो जब इसको मैं सॉल्व सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरे पास ये सर्किट बनता है। अब मैं चेक करता हूँ कि सर्किट बेसिकली है क्या। तो ये तो सिंपल, जब दो पैरेलल में चीज़ें होती है तब अपन रख के देखते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ए और बी की वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसको ध्यान दे के देखिए, ए बी इसकी दो वैल्यूज ले लीजिए आप, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 चाहिए मुझे एफ। तो मैं चेक करता हूँ एफ की वैल्यू क्या आती है, उस हिसाब से मैं ऑप्शन में देखूंगा कौन सा फंक्शन ठीक बैठता है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 रखने पर ये दोनों ऑन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही बबल्ड है। 0 0 ठीक, क्योंकि ये बबल्ड है ना, तो ये बी और ये बी और ए दोनों 0 0 मिलने पर ये दोनों ऑन हो जाएंगे, और ये आपका ऊपर VDD से जुड़ा हुआ ही है, कोई चिंता की बात। तो ये शॉर्ट होके आउटपुट अपने को हाई देंगे कि दोनों ही ऑन। अब ए या बी में से कोई भी एक ऑन हुआ तो काम नहीं चलेगा। देखो, अगर बी ऑन है तो बी 0 होने पर ये ऑन हो जाएगा, सिमिलरली ए ऑन है यानी ए 0 होने पर ऑन। अगर बी ऑन है और ए ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिलने पर ये ऑफ, तो आपके पास ये पूरा कनेक्शन नहीं हुआ, या फिर बी ऑन हो गया ए ऑफ हो गया, या ए ऑन हो गया या बी ऑफ हो गया, तो दोनों इसको ऑन नहीं कर पाएंगे, आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो उस कंडीशन में अपने पास आउटपुट क्या मिलेगा, 0 0, क्योंकि एफ कनेक्टेड ही नहीं है कहीं से। अब आप 1 1 देखे देखिए, जब 1 1 यहाँ पे देता हूँ मैं, तो ये दोनों ही अपना सर्किट ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑफ हो गए, तो आप आउटपुट वैसे ही नहीं मिलना, मतलब काम ही नहीं करेगा, ओपन सर्किटेड। अब मैं यहाँ आता हूँ, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 देने पर क्या होगा ये देखते हैं। ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा सर, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 पे। अब ए इज इक्वल टू 1 या बी इज इक्वल टू 1 देने पर ये जब ऑन होगा, तो एफ डायरेक्टली किससे जुड़ जाएगा, आइधर ए से जुड़ेगा या फिर बी से जुड़ेगा, और ये वो दोनों भी क्या है, 1 1 ही, तो बेसिकली आउटपुट आ जाएगा 1। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अब आप ये कहेंगे कि इस 0 1 का कॉम्बिनेशन यहाँ क्यों नहीं पुटअप किया, यहाँ पे भी करके देख लीजिए। जब आप ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, तो ये ऑन होने पर आउटपुट इससे जुड़ा एफ से, तो ये 0 हो गया, ए से जुड़ा हुआ तो ए का आउटपुट 0। सिमिलरली दूसरे केस में भी आप लोग चेक कर लीजिए, तो ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे मिला जिसमें 0 0 पे 1 है और 1 1 पे 1 है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो मैं एफ को लिखूंगा, तो ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी। तो ये सिंपल एक्सनोर का सर्किट होता है, एक्सनोर का फंक्शन है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं ए एक्सनोर।
ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ऑप्शन में मुझे ये चेक करना है कि ऑप्शन में अपने पास कहाँ है सर्किट, ऑप्शन में अपने पास है एक्सनॉर है अवेलेबल, तो एक्सनॉर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। इन द सर्किट शोवन द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, इन अदर वर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सिग्नल इज 12 किलोहर्ट्ज। ओके, ये उन्होंने क्लॉक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज दे रखी है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एट Q2, ओके Q2 पे जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखो ये एक तरह का शिफ्ट रजिस्टर है, Q1 D1 टू से जुड़ा हुआ है, फिर Q2 वापस अपने पास मिल रहा है। अब D1 में क्या आ रहा है ये मुझे चेक करना है, तो ये ध्यान रखना है अपने को ये कितनी साइकिल बाद अपने एक स्टेट को रिपीट करता है वो अपनी फ्रीक्वेंसी हुई। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये चेक करता हूँ D1 क्या क्या है। तो D1 इज नथिंग बट Q1 बार एंड Q2 बार, Q1 बार एंड Q2 बार का एंड ऑपरेशन है, Q1 और Q2 बार का एंड ऑपरेशन। ओके, D2 इज नथिंग बट डायरेक्टली Q2 से जुड़ा हुआ, आई एम सॉरी Q1 से जुड़ा हुआ। अब मुझे इनके प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट चेक करनी है, तो मैं प्रेजेंट स्टेट को लिखता हूं Q से, फिर मैं लिखता हूं एक्साइटेशन यानी इनपुट दैट इज D1 एंड D2, और फिर मैं लिखता हूं Q प्लस दैट इज द नेक्स्ट स्टेट। ओके, तो प्रेजेंट स्टेट में मान के चलता हूँ शुरुआत वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, शुरुआत वाली जो स्टेट होती है जीरो जीरो। ठीक, जब मैंने जीरो जीरो लिया यानी Q1 और Q2, प्रेजेंट स्टेट Q1 और Q2 जीरो जीरो है, नो प्रॉब्लम। तो Q1 बार और Q2 बार वन वन होंगे, और जब ये इनपुट में जाएंगे तो ये आउटपुट यहाँ पे बन देंगे। तो D1 अपना जो नेक्स्ट स्टेट वाली बात हो जाएगी वो हो जाएगी वन, और D2 क्योंकि Q1 से जुड़ा हुआ है तो वो तो अभी तक जीरो रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेट वन और जीरो। अब ये नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी, तो वन जीरो रखने पर अपने को क्या मिलता है वो चेक करना। तो सिंपल वन जीरो रख दीजिए Q1 और Q2 की जगह, तो यहाँ वन और यहाँ पे जीरो, तो ये हो जाएगा अपने पास वन है तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो है तो वन हो जाएगा। अब जीरो इंटू वन का कॉम्बिनेशन जीरो देगा, तो अभी प्रेजेंट स्टेट वन एंड जीरो, क्योंकि अपने पास D1 और D2 की वैल्यू जीरो एंड वन, ये नेक्स्ट स्टेट रहेगी। अब ये नेक्स्ट स्टेट प्रेजेंट स्टेट हो जाएगी जीरो वन। ठीक है, तो जीरो वन देंगे वापस जीरो एंड वन, जीरो वन देने पर ये वन और ये जीरो, अगेन वन इंटू जीरो इट इज जीरो, यानी D1 के पास मेरे को मिल गया जीरो और D2 ऑलरेडी जीरो स्टेट में। ठीक, वापस ये वाली स्टेट जीरो, यानी जीरो जीरो स्टेट वापस जीरो जीरो स्टेट में कौन सी में आ गई, आफ्टर थ्री साइकिल्स वन टू एंड थ्री। तो अपने पास टोटल थ्री साइकिल्स के बाद में वही स्टेट रिपीट हो रही है, यानी Q2 की वैल्यू वापस वही आ रही है जो थर्ड फर्स्ट स्टेट में थी, आफ्टर थर्ड स्टेट वापस वही स्टेट आ रही है। तो वही पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल एट Q2, मतलब ये खुद कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अपने पास 12 किलोहर्ट्ज़ अपने पास दे रखा था क्लॉक का साइकिल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सिग्नल 12, अब ये कितनी साइकिल बार रिपीट हो रही है तो 3 डिवाइड कर लीजिए, तो इसका जवाब आ जाएगा 4 किलोहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसकी सिग्नल अपीयर होने के Q2। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द सर्किट शोवन इन, अब ध्यान से देखिएगा, अपने पास कुछ स्टेट डायग्राम्स दे रखे हैं और ये एक सर्किट दे रखा है। अब मुझे पूछा है कि कौन सा डायग्राम ठीक है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ठीक है, पहले तो ये चेक करिए कि इसमें वही प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट अपने को चेक करनी पड़ेगी। इसमें एक तो है मल्टीप्लेक्सर, ठीक, उसका इनपुट ए और एक अपना पास डी फ्लिप फ्लॉप है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको। अब देखिए ए की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, जो जीरो पे है वो है क्यू बार पे कनेक्टेड और वन पे है वो है क्यू से कनेक्टेड। तो मैं अगर इसका देना चाहूँ ए बार क्यू बार प्लस ए इंटू क्यू, ये फंक्शन देना चाहूँ मल्टीप्लेक्सर का, तो मुझे ये मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर चीज
इसको मान लीजिए आउटपुट वन, ठीक है, आउटपुट वन इज इक्वल टू दिस, राइट, ए बार क्यू बार प्लस ए क्यू, ये मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है, ओके okay. दूसरा इनपुट क्या है, दैट इज सिंपली क्यू, ये किसका, नैंड गेट का, तो इसका नैंड गेट का आउटपुट है वही डी से जुड़ा हुआ है, तो आपके पास जो डी आएगा बेसिकली वो आएगा आउटपुट वन का और क्यू का नैंड ऑपरेशन। यहां तक ध्यान से देखिएगा, आउटपुट वन दैट इज द मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट और वो और इस डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट इससे जुड़ा हुआ है, तो मुझे इन दोनों का नैंड ऑपरेशन करके डी की वैल्यू, ठीक है, रख दीजिए इसको उसमें, दैट इज ए बार क्यू बार प्लस ए इंटू क्यू, ये एक फंक्शन हो गया और ये दूसरा फंक्शन क्यू और इसका होल बार। डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ए बार क्यू बार प्लस ए क्यू, ये अपना पास एक रहा इसका होल बार, और ये डॉट को चेंज करेंगे प्लस में और क्यू के ऊपर बार। अगेन इस ब्रैकेट के लिए भी अपन डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो ए बार क्यू बार का होल बार डॉट ए क्यू का होल बार एंड प्लस क्यू बार, नो इश्यू। वापस इस ए बार क्यू बार पर भी अप्लाई करेंगे, ये मैं आपको एक्सटेंडेड इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपने को कॉन्सेप्ट बता रहे कि काम कैसे करता है। ए बार क्यू बार का होल बार दैट इज सिंपली ए प्लस क्यू। अब ये ए प्लस क्यू कैसे आ गया, क्योंकि ये डॉट ऑपरेशन है ए और ए बार और क्यू बार के बीच में, जब मैं इन दोनों का डॉट हटा के प्लस लिखूंगा और इनका बार सेपरेट करूंगा तो ए और क्यू के ऊपर डबल बार आ जाएगा जो कि कैंसिल होके ए और क्यू बचेगा, ठीक। सिमिलरली ये बच जाएगा ए बार प्लस क्यू बार एंड प्लस क्यू बार, इज इट ओके। अब आप चाहें तो इसको ओपन कर लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, ए इंटू ए बार क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो, ए इंटू क्यू बार, वेरी गुड, ए इंटू क्यू बार अपने पास आ गया प्लस ए बार क्यू, ये भी आ गया, क्यू इंटू क्यू बार जीरो होता है प्लस क्यू बार। अब इसको मैं यहां लिखता हूं एग्जैक्टली डी क्या मिलेगा, ए क्यू बार प्लस ए बार क्यू प्लस क्यू बार, तो क्यू बार कॉमन लेंगे दैट इज ए प्लस वन प्लस ए बार क्यू, सिंपली ये वन हो गया तो क्यू बार प्लस ए बार क्यू, ये अपने पास तो डी मुझे ये ऐसा मिल गया ए क्यू बार प्लस ए बार क्यू, अपने पास आउटपुट ये पड़ा ही है। अब मेरे को प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट चेक कर रहा है, ठीक है। जब आप प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो प्रेजेंट स्टेट इनपुट अपने पास है इस बार डी और आउटपुट है नेक्स्ट स्टेट क्यू प्लस, ठीक है। तो मैं इस क्यू को, इस इनपुट को और क्यू प्लस को चेक कर दूंगा मेरे पास क्या मिलेगा। तो मैं एक बार रख देता हूँ, जीरो जीरो हो या फिर जीरो वन हो या वन जीरो हो या वन वन हो, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन रहेंगे क्यू और डी के। तो अब मैं इसको यहाँ पे रख के चेक करता हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट स्टेट क्या है। एग्जैक्टली जो डी की वैल्यू होगी वो नेक्स्ट स्टेट होगी क्योंकि वो ये नेक्स्ट पे आने वाला है, रख के चेक करते हैं। जब मैं डी की वैल्यू रखता हूँ जीरो, सॉरी दिस इज नॉट डी, दिस इज ए, राइट, ए और क्यू की वैल्यू मैं डिफरेंट वैल्यू मेरे को यहां मिलेगी तो मैं यहां रख के चेक करता हूँ, ठीक है। जब दोनों ही जीरो जीरो, क्यू बार इज नथिंग बट वॉट वन, क्योंकि जीरो था तो वन हो गया, ए इज जीरो तो ये वन हो गया और क्यू अपने पास पड़ी है दैट इज सिंपली वन। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या मिली, वन, डी यानी नेक्स्ट स्टेट, इसको आप डी भी लिख सकते हैं, ओके। जब मैं जीरो वन पुट अप करता हूँ, जीरो वन देखिए रख के, क्यू की वैल्यू जीरो रखने पर ये वन देगा, क्यू की वैल्यू यहां जीरो होते ये जीरो हो जाएगा, तो वन प्लस जीरो अगेन वन, वन जीरो रखता हूं, क्यू की वैल्यू वन और ए की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू वन, ओके। तो ये वन इंटू ए की वैल्यू जीरो थी तो बार होके वन, ये वन प्लस ये क्यू की बार जीरो यानी वन का जीरो, तो वन प्लस जीरो अगेन वन, तीनों में वन आ गया। अब मैं लास्ट चेक करता हूँ कि जब मैं तीनों में वन, दोनों में वन रखता हूँ क्यू और ए की वैल्यू, जब ये वन रखूंगा तो क्यू बार वन होके जीरो हो जाएगा,
सिमिलरली यहाँ पे मैं ए की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 का बार 0, ये मेरे को स्टेट मिल गई मेरी। अब मेरे को डायग्राम बनाना है। डायग्राम चेक करने के से पहले आप लोग बना सकते हैं चाहे तो, और नहीं तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए भले, लेकिन अपन बना लेते हैं। दो स्टेट है अपने पास, q इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए q इज इक्वल टू 0 जब था, अब मैं इसमें a की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे 1 मिलता है, क्योंकि वैल्यू जब 0 थी, a की वैल्यू 0 होने पर आउटपुट क्या मिल गया मुझे, 1। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए a इज इक्वल टू 1, जब q की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू 1 थी तो भी मुझे 1 मिला। तो दोनों के लिए, यानी फर्स्ट टू के लिए ये वाला डायग्राम हो गया, यानी फर्स्ट टू सेट के लिए, जब q की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 तो भी आउटपुट 1, जब q की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 तो भी आउटपुट 1। अब जब q की वैल्यू 1 यानी यहाँ पे आ गए और a 0 रखा तो मुझे 1 मिलेगा, यानी ये खुद ही मिल जाएगा। जब q की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 0 तो वापस मुझे q1 ही मिल रहा है, लेकिन जब q की वैल्यू 1 थी और आपने इसको 1 रखा तो आपको 0। बस अब ये चेक करना है ये वाला कौन सा स्टेट ठीक बैठता है। तो q की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 1 रखने पर केवल सी ऑप्शन बैठता है, क्योंकि 0 और 1 रखने पर 1 मिल रहा है, ये 1 मिल रहा है, और 0 रखने पर वापस मुझे 0 ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, ये रहा। और जब मैं वहां से 1 रखूंगा तो वापस मुझे 0 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वापस देख लीजिए, वापस एक बार रिवीजन करते हैं। ऑप्शंस में दे रखे हैं कुछ डायग्राम्स, अपने को मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट और इस डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट का नैंड ऑपरेशन करके नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी थी, वो हमने पर्टिकुलर एक सर्किट बना के सॉल्व किया पहले इस डी को, सॉरी एक पर्टिकुलर इक्वेशन बना के सॉल्व किया, और ये अपनी टेबल बनाई, और इस टेबल के थ्रू अपन ने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाया और वो चेक कर लिया कि कहाँ कहाँ पे। अब ये मैंने 0/1 लिखा है तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये आपको वैसे अलग अलग लिखना हो तो एक बार 0 लिख दो और एक बार जैसा तुम्हारे डायग्राम में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।